दिलीप राजन एक खास लड़की के बहुत क्लोज पहुंच गए। जी हाँ, वो लड़की अरुणिता कांचीलाल नहीं बल्कि कोई और है। पवनदीप इस लड़की के संग रूम में घंटों मस्ती करते हैं। जी हाँ, पवनदीप की भांजी की बात कर रहे हैं। इस वक्त पवनदीप के कोई शोज नहीं है, इसलिए वो अपने उत्तराखंड निकल गए और उत्तराखंड में अपनी बहन के ससुराल भी गए। यहाँ पवनदीप स्पेशली अपनी भांजी के लिए गए, जो कि उनसे कई दिनों से फोन पर बातें करके रिक्वेस्ट कर रही थी। और भांजी ने पवनदीप से रिक्वेस्ट की कि वो किसी भी बहाने से उनसे मिलने आए और उनके पास रुके, जिसके बाद पवनदीप अपनी भांजी की बात को टाल नहीं सके और जैसे ही टाइम मिला वो तुरंत उत्तराखंड निकल गए और भांजी के पास एक दो दिन रुकेंगे भी। जी हाँ, वैसे पवनदीप बहनों के ससुराल में तो नहीं रुकते, लेकिन भांजी की जबरदस्ती के बाद पवनदीप का जोर नहीं चलने वाला। कहा जा रहा है कि पवनदीप ने भांजी से मिलने की बात अरुणिता को भी नहीं बताई, जबकि पवनदीप हर बात अरुणिता से शेयर करते हैं। वैसे तो ये इनका पर्सनल घरेलू मामला है, अब पवनदीप अपनी बहनों से मिले तो ये बात कोई इतनी जरूरी भी नहीं है। लेकिन अरुणिता अकेले मुंबई में क्या कर रही है? अरुणिता को अगर पवनदीप बताते तो शायद अरुणिता भी उनके संग उत्तराखंड होकर आती, क्योंकि अरुणिता को उत्तराखंड बहुत पसंद है और वो तो बहाने ढूंढती हैं। और जब वो बिना परफॉर्मेंस के उत्तराखंड जाती हैं तो बहुत ही छुप छुपा कर जाती हैं। ऐसे में हो सकता है कि अरुणिता छुप छुपा कर पवनदीप के संग फिर से उत्तराखंड पहुंच चुकी हो। अगर उत्तराखंड में अरुणिता हुई तो उनके फैंस यहां भी पहुंच जाएंगे और उन्हें कोने से खींच कर सामने ले ही आएंगे, जैसे पिछली बार हुआ था जब पवनदीप अरुणिता को चोरी छुप कर उत्तराखंड में घुमाने ले गए थे। वो फैंस से बचने के ट्रोलर्स के गंदे कमेंट से रात में निकल कर गए थे ताकि आधी रात में उन्हें कोई पहचान न सके, लेकिन आधी रात में भी कुछ फैंस ने अरुदीप को घेर लिया था और पवनदीप कैमरे के सामने आने से बचते दिखाई दिए। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इतनी रात में आप लोगों का इस तरह से व्यवहार ठीक नहीं लग रहा, अगर बोलते तो हम आपसे मिलने जरूर आता, लेकिन रात में घेरना इस तरह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर क्या फैंस समझ गया, उन्होंने पवनदीप अरुणिता की बात का सम्मान किया। पवनदीप अरुणिता वापस मुंबई जब तक आए तब तक उनकी फोटोज वायरल हो गई थी। अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है, जिसे सुनकर आप उन्हें बधाई दिए बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। गुड न्यूज बताने से पहले पवनदीप का हाल भी बता दें, वो इस वक्त कहाँ हैं और अरुणिता के इस खुशी के मौके को उन्होंने मिस क्यों कर दिया। जी हाँ, कल पवनदीप का देहरादून में शो था जो कि सुपर डुपर हिट गया। पवनदीप ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने शो की कई वीडियो शेयर की है, जिस पर फैंस ढेर सारा प्यार भी लुटा रहे हैं और साथ ही हर बार की तरह अरुणिता के बारे में सवाल भी पूछते दिखाई दिए। वैसे एक दिन पहले अरुणिता देहरादून में ही थी तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वो भी पवनदीप के संग शो में नजर आए और गाने गाए, लेकिन अरुणिता का कोई सॉन्ग नहीं आया क्योंकि वो उसी दिन मुंबई के लिए रवाना हो गई थी। कुछ ऐसा हो गया कि दोनों को अलग अलग मुंबई लौटना पड़ा। अरुणिता बिना पवनदीप के मुंबई आ गई। दरअसल हुआ ये कि अरुणिता कांचीलाल को एक गाना रिकॉर्ड करवाना था, जिसकी फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। शिखर संतोष के स्टूडियो में अरुणिता कांचीलाल नजर आ रही है, हाथों में मेहंदी लगी है और इस पे भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। अरुणिता ने कल ही एक गाना रिकॉर्ड करवा लिया है। फोटो में अरुणिता की मेहंदी वाले हाथों पर भी गौर किया जा रहा है। बहुत जल्द अरुणिता का ये गाना रिलीज होने वाला है। हालांकि अरुणिता के इस नए गाने का अभी तक कोई नाम या फिर डेट डिसाइड नहीं की गई है, बस एक फोटो शेयर की गई है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अरुणिता ने गाना रिकॉर्ड करवा लिया और बहुत जल्द अरुणिता का ये गाना सबके सामने आने वाला है, बहुत जल्द रिलीज भी होने वाला है। और इसी गाने की रिकॉर्डिंग की वजह से अरुणिता देहरादून में परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। पवनदीप से पहले ही वो ज्योति वीप के संग मुंबई चली आई थी। हालांकि पवनदीप ने अरुणिता की खुशी में उन्हें बधाई दी और सारे काम छोड़कर अरुणिता से पूछा कि वो ठीक तो हैं, आज वो भी मुंबई पहुंच रहे हैं, अरुणिता की इस खुशी में शामिल होकर पार्टी भी करेंगे और जल्द दोनों एक साथ किसी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आने वाले हैं। काम शुरू करने से पहले अरुदीप ने खूब इंजॉय किया। अरुणिता पवनदीप के घर में खूब इंजॉय करती दिखाई दी थी और इसीलिए वो ज्योति दीप के संग लौटी। अरुदीप ने पारस के भाई की शादी में खूब एंटरटेनमेंट किया, जिसकी ढेर सारे फोटोज और वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। अरुणिता कांचीलाल की एक फोटो ने सोशल मीडिया फैंस की हवाइयां उड़ा दी। जिन फैंस को इनकी शादी की उम्मीदें थी अब उनके मुंह बंद हो गए हैं। साथ ही अरुदीप के फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। जो फैंस अरुदीप को एक होते देखना चाहते थे, जो फैंस अरुदीप की शादी के सपने देख रहे थे, अब उनके लिए बुरी खबर सामने आ रही है। और पवनदीप का इस वक्त जो हाल है उसे शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। दरअसल अरुणिता कांचीलाल के मेहंदी लगे हाथों की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में अरुणिता
कंचुलाल मेहंदी लगे हाथों से गिटार बजाती दिखाई दे रही हैं। अरुणिता को गिटार बजाते देख फैंस को बहुत खुशी हुई, लेकिन जब अरुणिता कंचुलाल के हाथों पर नजर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। पहले लोगों को लगा शायद अरुणिता किसी की शादी अटेंड करने गई हो और उन्होंने वहाँ मेहंदी लगाई हो, और अभी अभी तो वो उत्तराखंड की एक शादी निपटा कर वापस लौट रही है, तो हो सकता है कि इस शादी में अरुणिता ने हाथों में मेहंदी लगाई हो। लेकिन जब इन्हीं मेहंदी वाले हाथों के ऊपर एक सफेद कपड़ा देखा गया तो हार्ट बीट तेज हो गई, बल्कि सब कुछ खत्म हो गया ऐसा फील होने लगा। हिंदू रिवाज में ये सफेद कपड़ा दुल्हन के हाथों में देखा जाता है। जब हल्दी की रस्म की जाती है तो इसी तरह का कपड़ा मेहंदी वाले हाथों पर बांधा जाता है। तो क्या अरुणिता कंचुलाल की हल्दी सेरेमनी की गई है? और फिर अगर अरुणिता की हल्दी सेरेमनी नहीं है तो इस सफेद कपड़े को बांधने का क्या मतलब है? हालांकि कुछ कमेंट्स ने इस बात की घबराहट दूर कर दी है। अगर आप भी अरुदीप की ये फोटो देखकर घबरा रहे हैं तो आपकी घबराहट के लिए कुछ बातें हम आपसे शेयर करते हैं। ये कपड़ा नहीं बल्कि रबर बैंड जैसा भी लग रहा है, ऐसा कुछ अरुदीप के फैंस बता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर सच में अरुणिता की शादी की तैयारियां होती और पवनदीप को खबर भी नहीं होती तो पवनदीप के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती थी। आप भी वीडियो को जूम करके देखिए, बताइए कि ये शादी वाला कपड़ा या फिर रबर बैंड जिसे फैशन के तौर पर अरुणिता ने यूज किया है, और फिर अरुणिता की शादी फिक्स भी हो गई होती तो पवनदीप को जरूर खबर होती। कल इस वीडियो में एक तरफ अरुणिता कंचुलाल है जबकि दूसरी तरफ पवनदीप भी दिखाई दे रहे हैं। पवनदीप पियानो बजा रहे हैं और अरुणिता कंचुलाल गिटार बजा रही हैं। दोनों को बहुत पसंद किया जा रहा है। वीडियो को आप भी देखिए और कमेंट बॉक्स में इनके लिए राय जरूर दें। दोस्त के भाई की शादी में पवनदीप अरुणिता ने वो सारी कसर निकाली जो बिजी लाइफ में वो मिस करते हैं। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता ने बिना परवाह किए हुए कि वो सेलिब्रिटी हैं और इतनी भीड़ में जाना उनके लिए हानिकारक हो सकता है, बिना सिक्योरिटी के वो आफत में फंस सकते थे, फंस नहीं सकते थे बल्कि फंस गए थे। आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया, किसके लिए? दोस्त के लिए। लेकिन उन्हें इतनी परेशानी हुई कि आप उनकी परेशानी को इस वीडियो में देख सकते हैं। अरुदीप की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है अरुदीप जैसे ही पारस के भाई को बधाई देने के लिए मंच पर चढ़ते हैं, करीब 100-150 लोगों की भीड़ एकदम से मंच की तरफ भागती है। दूल्हा दुल्हन के लिए नहीं बल्कि अरुदीप के संग सेल्फी लेने के लिए मंच पर भीड़ लग जाती है। भीड़ इस कदर बढ़ जाती है कि अरुदीप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। भीड़ में पवन कहीं और रुकते हैं जाकर, अरुणिता कहीं और रुकती हैं जाकर, और उसके बाद क्या हुआ वो आप इस वीडियो में खुद देखिए।